गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। अभी हम कोलकाता के साइंस सिटी घूमने वाले हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। सो आप हमारे वीडियो में बने रहें। आप देख सकते हैं, ये है कोलकाता साइंस सिटी बस स्टॉप का नज़ारा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। इसका ओपनिंग टाइम है मॉर्निंग 10 बजे से लेके और शाम 7 बजे तक। अभी हम साइंस सिटी के भीतर एंट्री कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा देखिए आप कैसा है। आप हमारे वीडियो फुल वॉच कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या दिखाने वाले हैं। आप इस ट्रॉली में बैठ के पूरे साइंस सिटी का आनंद ले सकते हैं। इसका चार्ज है 60 रुपीज और यहाँ आप इजीली हावड़ा से या सियालदह से आ सकते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं, अभी मैं एंट्री ही किया हूँ। ये देखिए गार्डन का नज़ारा कैसा है। अभी मैं दिखाऊँगा एक एक करके आपको बारीकी से। वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें ताकि हम आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहेंगे। तो सो गाइस, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पीछे झरना है, ये देख सकते हैं आप। अगर आप वॉक करके जाना चाहते हैं तो उसका चार्ज है सिर्फ एंट्री फीस 60 रुपीज। वीडियो के एंड तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो अभी हम टिकट काउंटर के नज़दीक आ गए हैं। ये देखिए टिकट काउंटर नंबर लगा हुआ है आपको। इधर है सेल्फ टिकट, आप यहाँ खुद से टिकट काट सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सो फ्रेंड्स, हम टिकट कटा लिए हैं। ये देखिए मेरा टिकट 100 रुपया लगा है और जो शो वगैरह वगैरह देखेंगे वो अंदर में पे करना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल। आप देख सकते हैं ये देखिए गार्डन का नज़ारा कैसा है। गार्डन का नज़ारा ये देख लीजिए, ये है टिकट काउंटर। और मैं फाइनली मैं टिकट कटा लिया हूँ। ये देखिए मेरा टिकट है और मैं अभी रोड से पैदल जा रहा हूँ। ये ATM है पंजाब नेशनल बैंक। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं ये इंक्वायरी है, मे आई हेल्प यू। और इस रास्ते से अभी मैं जा रहा हूँ, तो मैं अंदर चल के दिखाता हूँ कि अंदर का नज़ारा कैसा है। गेट के ठीक सामने आप जाएंगे तो आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये है फूड कोर्ट, यहाँ आप भोजन भी कर सकते हैं। ये देखिए ये है रेस्टोरेंट का नज़ारा। ये देखिए चिकन बिरयानी अभी बन रहा है, ये देखिए चाउमीन बन रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ बटरफ्लाई। इधर जो है बटरफ्लाई मतलब इसका जो है तितलियों का इधर पालन होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इधर तितलियों को पालन पोषण किया जाता है। ये देखिए इधर तितलियों को पालन पोषण किया जाता है, ये देख सकते हैं आप। वहाँ जो मैं आपको दिखाया था तितलियों का पालन पोषण हो रहा था, पानी उनी दिया जा रहा था, सो आप वहाँ से पकड़ पकड़ के इसमें रखा जाता है। आप देख सकते हैं तितलियों का नर्सरी, आप देख सकते हैं। बटरफ्लाई के ओपोजिट साइड में बहुत सारा खरगोश देखने को मिल जाएगा, अभी पानी पी रहा है। ये हवाई जहाज आपको डार्क राइड के लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं डायनासोर राइड के लिए। वहाँ क्या है अंदर में अभी मालूम नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि एक गाड़ी है जिसपे आप बैठ सकते हैं और बैठ के वहाँ तरह तरह की जीव जंतुएँ हैं, आप उसका नज़ारा ले सकते हैं। किस तरह से पहले जो है डायनासोर कैसा दिखता था वो आप उस हॉल में देख सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं डायनासोर राइड के लिए। तो ये देखिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में। ये है साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल। तो अभी हम एंट्री करने वाले हैं और हम आपको दिखाते हैं डायनासोर राइड कैसा है। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम आपको दिखा रहे हैं एक से बढ़ के एक चीज़। आप इधर भी टिकट कटा सकते हैं, ये देखिए डार्क राइड डायनासोर का है। यहाँ टिकट चेकिंग होता है डार्क राइड एंट्री करने के लिए। ये देखिए टिकट चेक कर रहे हैं मेरा, और ये टिकट चेकिंग हो गया है। अब मैं इसको लेके अंदर जाऊँगा, फिर अंदर में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ पूरे। अब मैं एंट्री करने वाला हूँ, अब मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ अंदर में क्या क्या चीज़ है। अभी यहाँ क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, फिर अंदर में डार्क राइड करेंगे, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पुराने ज़माने की हथियार है और ये कंकाल मांसपेशी है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊँगा। ये स्कल खोपड़ी है जो कि 4-5 मिलियन पहले कैसा दिखता था, ये सारे चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। सो अभी हम एंट्री कर चुके हैं डार्क राइड के लिए डायनासोर देखने के लिए, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप हमारे वीडियो में बने रहिए। ये देखिए ये है डार्क राइड, आप देख सकते हैं।
और मैं भी इस पे बैठूंगा। अभी ये देखिए, अभी हम बैठ गए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ, डोर खुल गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, चलिए देखते हैं 400-500 मिलियन वर्ष पहले कैसा दिखता था पुराने से पुराने जीव जंतु, जैसे कि डायनासोर, मगरमच्छ, हाथी, बंदर, छिपकली, घड़ियाल, ये सारे चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। पहले कैसा दिखता था ये आप देख लीजिए, मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, ये है मेरे पीछे, ये देखिए दोस्तों, डर भी लग रहा है। ये देखिए एलिफेंट है, इधर बंदर है, इधर भालू है, डार्क राइड का जो भी नजारा था वो हम देख लिए हैं। अभी हम जा रहे हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता है, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो सो गाइज, डार्क राइड देख लिए हैं और मैं ऊपर जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ क्या क्या चीज़ रखा हुआ है वो मैं आपको ऊपर जाके एक्सप्लोर करूँगा। और हम फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री कर गए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर क्या क्या है। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको एंट्री करते वक्त देखने को मिल जाएगा। ये एग्रीकल्चर देखिए, ये इधर है, तांबा का बना हुआ है, आप देख सकते हैं कांच का। ये कैलेंडर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए पहले किस तरह से कुम्हार अपने मिट्टी का बर्तन बनाते थे, आप यहाँ देख सकते हैं कैसे बेचते थे। ये है टेंपल और वो है कुतुब मीनार। इधर साइंस सिटी के अंदर आपको ताजमहल देखने को मिलेगा, ये देखिए। पहले इस तरह से ये देखिए आटा पिसाई होता था, आप देख सकते हैं। ये देखिए पहले जमाना का है इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये पुराने ज़माने की इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि पहले कैसा दिखता था आप देख सकते हैं कि बनारस घराने से है। तांबा का है, आप देख सकते हैं, हथियार रखा हुआ है, ये देखिए। किस तरह से पकड़ कर वैद्य जी अपना काम कर रहे हैं, ये देखिए। अभी मैं दूसरे कमरे में, दूसरे रूम में एंट्री कर चुका हूँ और मैं इधर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, इधर का नज़ारा कैसा है ये देखिए। बानर से इंसान बनाया, आप देख सकते हैं आदिवासी, ये सब देख सकते हैं आप। किस ये देखिए, फ्यूल पेट्रोल पंप है, ये 3D प्रिंटिंग मशीन है। कैसा दिखता है 3D प्रिंटिंग मशीन ये आप देख सकते हैं। ये हेलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये मेमोरी ट्री है, टच पिन है, यहाँ आप टच करेंगे तो आप देख सकते हैं। ये देखिए पहले कैसा मोबाइल था, फिर 1G के ज़माने में, फिर 2G के ज़माने में, और 3G 4G, वो सारा चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये पहले ज़माना का है, ये देखिए स्मार्टफोन, कैमरा, वॉच, वॉल घड़ी। ये है रोबोट, आप देख सकते हैं, और ये है प्लास्टिक का फर्मो, देख सकते हैं। इस मशीन से शरीर के किस भाग में दिल, गुर्दा, लीवर, किडनी रहता है आप सारी बातें जान पाएंगे। ये है प्रोजेक्टर, आप देख सकते हैं। ये देखिए बच्चे गेम खेल रहे हैं, ये देखिए देखिए। तो अभी हम ऊपर का नज़ारा देख चुके हैं, अब फाइनली हम जा रहे हैं नीचे का नज़ारा। अब नीचे क्या है गार्डन में वो हम आपको गार्डन जाके दिखाएंगे। ये है गार्डन का नज़ारा, आप देख सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे ये भाई आ चुके हैं, जैसे कि ये बॉल को रोल करना चाहते हैं, रोलर कोस्टर इसका नाम है, उत्साह के साथ गए हैं। वाओ, वेरी गुड।
पक्षियों के पंख के आकार जैसा बना है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये है रोड ट्रेन, इस पे बैठ के आप पूरे गार्डन का नजारा ले सकते हैं। इसका चार्ज है 20 रुपीज। ये है मिनी थिएटर, आप देख सकते हैं इसमें फंक्शन होता है। ये बहुत बड़ा है, अंदर में बैठने का जगह भी बहुत है। ये तो अभी बंद है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ यहाँ का नज़ारा। ये देखिए मेरे बैक साइड का नज़ारा, ये देखिए, ये देख लीजिए कितना खूबसूरत जगह है घूमने का। ये देखिए ये कार पार्किंग का जगह है, आप देख सकते हैं गेट के राइट साइड में है कार पार्किंग। सो फ्रेंड्स, वीडियो लॉन्ग हो जाने के कारण मैंने इस वीडियो को दो भागों में बांट दिया है। अभी आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जो देखिएगा ये फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सेकेंड पार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो जो जो चीज़ आप फर्स्ट पार्ट में नहीं देख पाए वो सारी चीज़ मैं आपको सेकेंड पार्ट में दिखा दूंगा। उसमें आपको डायना मोशन, मिरर मैजिक, भारतीय वायुसेना से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको दी जाएगी इस वीडियो में। और साइंस सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ है वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो आप सेकेंड पार्ट देखना ना भूले इस चैनल पे। ये है हमारे चंदन भैया बिहार से, और हम लोग आसनसोल से आए। आप बोलिए। हम हैं बिहार से और ये मेरे बड़े भाई हैं जो अभी आसनसोल से आए हैं, यहाँ साइंस सिटी घूमने आए हैं। हम लोग यहाँ साइंस सिटी आए हैं, हम लोग को LIC के तरफ से, हम लोग LIC के एजेंट हैं और हम लोग को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। कुछ कार्ड भी मिला है, सम्मान भी मिला है। ये हम लोग सब साथी है, दोस्त है, हमारे एक और भाई है। आ देखिए डैप मार रहा। सब हम लोग का पूरा ग्रुप आए हैं। अच्छा लगा चंदन भैया, हम लोग के बिहार से है, अच्छा लगता कि हम लोग का प्रदेश से ऐसे उठ उठ के आते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। और इनका वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए।